ग्लोबल अवार्ड देने के लिए मुझे और मुझे इस काबिल समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है, पहली बार किया है, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अगले साल इससे भी बढ़िया कार्यक्रम हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अवार्ड तो खैर एक तरीके का आशीर्वाद होता है, और आशीर्वाद अगर एक माँ से एक हाथ से मिले तो माँ तो माँ होती है, और अगर दुनिया में कोई सुंदर है तो सबसे सुंदर माँ है। और नारी शक्ति के हाथों अगर अवार्ड मिलता है तो हमें दो तीन चार लाइनें याद आ रही हैं कि सिनेमा में तो ठीक है, लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस के माध्यम से नारी शक्ति के बारे में जिस जिस तरीके का मनोरंजन किया जाता है, हमारा परसेप्शन नारी शक्ति के बारे में बिल्कुल अलग है। तो बोलते हैं कि जो पतन से बचा ले वो पत्नी, और जो हनन से बचा ले वो बहन, और जो सारी समस्याओं को देख खुल के चुनौती की अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरे पास आ वो माँ। और आपके लिए सूत्री कार्यक्रम को एक सूत्र में पिरो दे वो सुपुत्री। तो बहुत अच्छा लगा कि एक माँ स्वरूप जो है शक्ति के हाथों ये अवार्ड मिला, ये हमारे लिए बहुत मीनिंग रखता है। और हम तो कोशिश करेंगे कि हम इसी तरीके आपके चेहरे पे लगातार जब तक जिंदा है तब तक हंसी की मुस्कुराते और ये फूलों की तरह आपके चेहरे हमेशा खिलते रहें हमें देखकर। तो जब आपके चेहरे हमें देखकर इस तरीके से खिलते हैं तो सोचिए हमारा अंदर क्या खिलता होगा, क्या गदगद होता है, हमारा 10 किलो खून बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। अच्छी मुंबई ग्लोबल जो है अचीवर अवार्ड है, और इसमें सबको एक हौसला अफजाई के लिए जिस तरीके से सबके अलग अलग कार्यों के लिए जो है सबको सराहा जा रहा है, उनको अवार्ड के माध्यम से उनके काम को और ऊर्जा प्रदान की जा रही है, सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तिवारी जी को बहुत ही ज़्यादा कि न्यू ईयर उनकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा हो, और सब इसी तरीके से हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलें, खूब इंजॉय करें, सब एक दूसरे को प्रोत्साहन दें। अभी 4-5 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एक इंटरनेशनल है, जिसमें एक नेशनल है, जिसमें अलग अलग, और अभी जो काम कर रहा हूँ उससे बहुत अंदर बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि जैसा काम करना चाहता था वैसे ही काम की दिशा में हूँ और उसी राह पे हूँ। वो हमारे देश के एक ऐसे सुपरस्टार रहे हैं जिन्होंने सुपरस्टारिज्म शब्द का मीनिंग समझाया, और जब राजेश खन्ना जी आज नहीं 125 साल तक हमारे दिलों पर राज करेंगे, और हम यही कह सकते हैं कि आप अमर रहें और आप हमेशा इस सिनेमा के लिए प्रेरणा बने रहें।